तो हमारा आज का टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया था, आज हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, हम किस तरह से यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी को प्रोवाइड कर सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है और कितने तरह की होती है। आउटपुट डिवाइसेस, An output device is a piece of computer hardware that receives data from a computer and then translate that data into another form. कि जो output device है हमारी वो computer hardware का ऐसा part है जो data receive करती है computer से और उसको translate करती है another form के अंदर। अब ये form आपकी audio भी हो सकती है, visual भी हो सकता है, text भी हो सकता है, hard copy भी हो सकती है जिसको आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कहते हो। तो की डेस्टिनेशन क्या है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की, कि जो इनपुट डिवाइस है वो डाटा को सेंड करेगी कंप्यूटर को और जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करेगी। अगर हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है, आपका रिकॉर्ड करता है किसी भी वॉइस को, और अगर आपको उस वॉइस को सुनना है तो आपको जरूरत पड़ती है स्पीकर्स की, तो आप उसको एज अ आउटपुट डिवाइस लेते हो। तो जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है दोनों ही आपके अलग्जरी और पैराफेरल डिवाइसेस हैं। अलग्जरी डिवाइसेस वो होती है जिनको आप एक्स्ट्रा यूज करना चाहते हो, जिनको आप एक्स्ट्रा परचेज करते हो, सिस्टम में अटैच करते हो और यूज करते हो। टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मेरे पास आती है आउटपुट डिवाइसेस में सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। अगर मैं सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। और अगर मैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस की बात करता हूं, प्रिंटर, प्लॉटर। तो इस तरह से मैं इनको कैटेगराइज करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस के अंदर मॉनिटर्स के पार्ट की, कि मॉनिटर्स में हम किन किन चीजों को यूज करते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, दीज आर डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोड्यूस अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी कैन बी सीन और हियर्ड, इसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इट इज द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इनसाइड द कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा अवेलेबल है उसकी कॉपी हमारी ये होती है। व्हेन पावर इज स्विच ऑफ द कॉपी इज वैनिश्ड, कि जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुई कॉपी आपके पास से फिनिश हो गई, तो सॉफ्ट कॉपी आपका जो है इसका डॉक्यूमेंट का नेचर टेम्परेरी होता है। इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं मॉनिटर्स के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू और पीसी प्रोजेक्टर के थ्रू। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पार्ट नंबर वन, मैंने लिया है वीडियो। आप देखोगे मॉनिटर के अंदर वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर मैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात करता हूं तो ये वो यूनिट है जिसके अंदर डिवाइस प्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन को, इवेंट को, सिचुएशन को, घर पे, आपके वर्क प्लेस पे या पब्लिक प्लेसेस पे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेरी और परमानेंट इर्गोनोमिक प्रॉब्लम के ऊपर, जो डिपेंड करता है कि कितने फैक्टर आपके रिलीज होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं और डिस्प्ले होते हैं। अब आपके पास ये एर्गोनोमिक प्रॉब्लम क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बिकॉज कंप्यूटर यूज इज सो कॉमन द मोस्ट वर्क स्पेसेस, क्योंकि कंप्यूटर यहां पर कई जगह कॉमन वर्क स्पेसेस को यूज करता है, तो इर्गोनोमिक प्रॉब्लम जो है अगर ये ओकर हो जाए आपके रिजल्ट विजुअल डिस्प्ले में, तो वहां पर आप वर्कर को इंटरेस्ट को बता देते हो और उसके हिसाब से आप वर्किंग परफॉर्म करवा सकते हो। हमारे पास क्या क्या इसके टाइप्स हैं वीडियो के, CRT जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब्स, सेकंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, थर्ड लाइट एमिटेड डायोड जिसको हम बोलते हैं LED। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास यहां पर आता है वो पार्ट है कैथोड रे ट्यूब्स। अगर हम 1990 से पहले की बात करें, जितने भी कंप्यूटर हैं सबकी डिस्प्ले टेलीविजन सेट और वीडियो मॉनिटर की तरह यूज की जाती थी और इसको हम CRT कहते थे, कैथोड रे ट्यूब्स। तो सिक्योरिटी जो आपकी CRT है ये एक थिक ग्लास वैक्यूम ट्यूब होती थी जिसके अंदर स्क्रीन में फास्फोरस कोटिंग हुआ करती थी और वैक्यूम के अंदर से एक बीम जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बीम कहते थे, इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती थी जो हॉट मेटल फिलामेंट के अंदर आपको हिट करती थी और ग्लो प्रोड्यूस करती थी। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मशीनिज्म आपका बेंड करता था बीम को और यहाँ पर स्कैन करता था पूरे के पूरे एरिया को, उसको पेंट करके दिखाता था।
तो सीरीज ऑफ विजिबल इमेजेस इसके ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाती थी। सीआरटी प्रोड्यूस करती थी आपके पास हाई क्वालिटी पिक्चर एलसीडी और अदर नॉन टेक जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आपके पास हैं उसके मुकाबले। आपके पास कलर जो है बेसिकली हाई क्वालिटी का मतलब क्या कि ओरिजिनल कलर दिखा करते थे। अब आपको मैंने सीआरटी का डायग्राम भी दिखा दिया है कि आपका सीआरटी इस तरह से था जो बेसिकली आप डेस्कटॉप पे यूज करते थे। एप्लीकेशंस ऑफ सीआरटी मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते थे, आप टेलीविजन के अंदर यूज कर सकते थे, आप इसको ओलिस्कोप के अंदर यूज कर सकते थे, आप कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर इसको यूज कर सकते थे, आपको डिस्प्ले ड्राइव डिवाइस है जो वो रडार के ऊपर लगानी है तब हम सीआरटी मॉनिटर का यूज करते थे। डिसएडवांटेज क्या है, हैवी है, आपको उठा के इधर उधर जो इसको मूव करना है पोर्ट करना है वो मुश्किल हो जाता है। इमेज क्वालिटी पुअर, अब एक तरफ तो हम कहते थे कि इमेज क्वालिटी वो अच्छी है और दूसरी तरफ हम पुअर बताते हैं। अच्छी का मतलब कि जो उसमें कलर कॉम्बिनेशन है वो आपके एग्जैक्ट आया करते थे, जैसा कलर है वही दिखा करता था। और यहाँ पुअर इमेज क्वालिटी में क्या कि यहाँ जो पिक्सल है पिक्सल कम होते थे और अगर इमेज के पिक्सल कम है तो इमेज की क्वालिटी डाउन जाएगी ही जाएगी। तो आप कलर कॉम्बिनेशन ना देखिए, आप ये देखिए कि आपको विजिबिलिटी जब अगर लार्ज स्क्रीन पर करनी है तो आपकी पिक्चर बिगड़ जाएगी। कॉस्टली आपको काफी महंगे होते थे और एनर्जी भी इसमें काफी ज्यादा लगती थी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगर हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर यूज किया जाता है टीवीज और कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर। इसको हम यूज करते हैं मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन के लिए, लैपटॉप की स्क्रीन के लिए, टैबलेट की स्क्रीन के लिए, स्मार्टफोन के स्क्रीन के लिए। एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर आपकी सिर्फ उससे अलग ही नहीं दिखती थी, इसको ऑपरेट करने की वे भी उससे डिफरेंट थी। अब जैसे अगर हम सीआरटी की बात करते थे तो उसके अंदर क्या होता था, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फायर करते थे ग्लास के अंदर, लेकिन आप एलसीडी के नाम से ही समझ रहे हो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कि इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इसके अंदर होते थे यानी कि इसके अंदर लिथियम होती थी और उसके थ्रू वर्किंग को परफॉर्म किया करते थे। अब एलसीडी बैकलाइट आपकी प्रोवाइड करती थी इंडिविजुअल पिक्सल अरेंजमेंट के रेक्टेंगल ग्रिड के अंदर और पिक्सल यहाँ पर आपके पास रेड ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में होते थे। तो जो आरजीबी आपके पास कॉम्बिनेशन बनता है रेड ग्रीन और ब्लू का वो यहाँ पर टर्न ऑन या ऑफ हुआ करता था। अब अगर तो पिक्सल सभी के सभी ऑफ हैं तो स्क्रीन आपकी ब्लैक आती थी और अगर सभी के सभी पिक्सल ऑन हैं तो स्क्रीन आपकी वाइट होती थी। उसके बीच के कलर इनके अलग अलग क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते, जैसे कभी ब्लैक ऑन है सॉरी कभी रेड और ग्रीन ऑन है, कभी रेड ब्लू ऑन है, कभी ग्रीन ब्लू ऑन है, कभी ग्रीन ब्लू और हल्का सा रेड ऑन है। तो इस तरह की जितनी वर्किंग आपकी होती थी वो सारी की सारी आपको अलग कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाती थी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, एलसीडी आपके पास 60 इंच टू 150 सेंटीमीटर तक की होती है डायगोनल इसकी जो मेजरमेंट होती है और ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन इसके अंदर नहीं होता, कॉम्पैक्ट है, थिन है और लाइट है। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लो पावर कंजप्शन के कारण ये हीट भी कम होती है और सीआरटी से काफी पतली है। अब किसी चीज की अगर इतनी एडवांटेजेस हो जाएं तो क्या उसकी डिसएडवांटेज भी होगी, बिल्कुल होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट है तो यहाँ कॉन्स्टार्ट आपका बिगड़ जाता है और आपकी ब्राइट है लेकिन काफी ब्राइटली एनवायरमेंट में सूप नहीं करती, कंज्यूम करती है काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से इंडिविजुअल लिक्विड क्रिस्टल है जो कंप्लीट नहीं करते अगर किसी ब्लॉक को तो फिर उस एरिया में वो वर्किंग छोड़ देती है और वेविंग एंगल के थ्रू जो कलर और कॉन्ट्रास्ट है कहते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते, मतलब आप साइड स्क्रीन से देखोगे आपको कलर प्रॉपर नहीं दिखेंगे। इसके बाद आता है आपके पास एलईडी लाइट एमिटेड डॉट। अगर हम लाइट एमिटेड डॉट की बात करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को यूज करती है पैनल ऑफ एलडीएन एलईडी के अंदर, यानी कि आपके पास यहाँ पर डॉट बल्ब का कॉम्बिनेशन होता था तो अगर कभी ब्रेकेज हो भी जाए तो आपका सिर्फ वो एरिया में डॉट एक ब्रेक होता था, बाकी स्क्रीन आपकी प्रॉपर काम करती थी। लेकिन जहां पर आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था तो वहां पर अगर आपके पास कहीं डैमेज हो गया तो पूरी की पूरी स्क्रीन ही आपकी खत्म हो जाती थी, आप उसमें वर्किंग नहीं कर पाते थे। तो इसी तरह से अगर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, मोबाइल फोन, टीवी, टैबलेट, कंप्यूटर, तो इनके अंदर हमारी एलईडी को यूज किया जाता है। तो ये इसकी एक हमने आपको आउटपुट दिखा दी है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि आप किसी भी एंगल से देखो पिक्चर आपको बिल्कुल शार्प एंड क्लियर दिखेगी। यहाँ पर ये नहीं है कि आप अगर एक कॉर्नर से देख रहे हो तो पिक्चर आपको अलग आउटपुट दे, दूसरे कॉर्नर से देख रहे हो पिक्चर अलग आउटपुट दे, सेंटर से देखो पिक्चर अलग दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांटेजेस क्या क्या है, स्लिम डिजाइन है,
शार्प इमेजेस हैं, कलर बेटर हैं, फ्लिकर फ्री इमेजेस है क्योंकि कहीं पर ब्रेकेज होती नहीं है तो फ्लिकिंग होती नहीं है, वैसे पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आपकी बेटर है, कोई मोशन डिले नहीं है, लॉन्गर लाइफ टाइम है, लोअर पावर कंजप्शन है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एलईडी काफी एक्सपेंसिव है आपकी और किसी टेक्नोलॉजी से, एलईडी कलर शिफ्ट कर देती है एज और टेम्परेचर के बेस पे, आपके पास जैसे टेम्परेचर आपका कम ज़्यादा मिला तो कलर आपको उसी हिसाब से डिस्प्ले होंगे। एलईडी अ लोट थिनर देन एलसीडी और प्लाज्मा, काफ़ी ज़्यादा पतली है प्लाज्मा और एलसीडी से, तो जो इसका कॉन्स्टेंट रेशियो है वो कंसिस्टेंस नहीं है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे आज की क्लास में इतना ही था, कल हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के अदर टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हम स्पीकर्स को स्टडी करेंगे, हम प्लाज्मा पैनल्स को स्टडी करेंगे।